जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के टेस्ट में। तो फर्स्टली टेस्ट को जो है वो हम शुरुआत करते हैं। तो क्या रहते हैं आपके आंसर्स? तो पहला सवाल ये रहा, बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी आंसर कर सकते हैं, सभी अपना अपना जितने भी बच्चे हैं इसका। देखिए स्क्वायर रूट्स जब भी करने हो तो कहाँ से शुरू करना है? अंदर से। 16 का स्क्वायर रूट 4, 21 में 4 प्लस किए कितने आए? 25, 11 में 5 प्लस हो गए तो कितने हो गए बच्चा? 16, और 16 का कितना होता है? 4, तो आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैच करिएगा, अपना अपना आंसर सभी मैच करिए। अंदर से शुरू करिए, 57 में आपने 7 प्लस कर दिए, कितने हो गए? 64, कितने हो गए बच्चा? 64, 64 का रूट कितना होता है? 8। अब 8 हमने लिया आपका, वो प्लस कर दिया, 8 का हमने लिया और अपना प्लस कर दिया, तो 136 में 8 प्लस कर दो कितना हो गया? 136 में 8 प्लस कर दो कितना हो गया? 144। बहुत बढ़िया, जो कि किसका है? 12 का। किसका है? 12 का। बहुत बढ़िया जी, आपका आंसर 12 बिल्कुल सही आंसर है। फटाफट प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। पहले का आंसर 4 था, दूसरे का आंसर 12 था, जो कि हमने बिल्कुल सही निकाला बच्चा। अगला सवाल तभी ट्राई करिएगा, ठोक के जल्दी से ताल ठोक के क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया है। 9 का स्क्वायर रूट कितना हुआ? 3, इसको जमा किया 36, 6 इसमें 25, ये तो बीच में माइनस, तो माइनस कर देंगे, मना किसने किया है? 7 आंसर के साथ जा रहे हैं, 7 के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया मैडम जी, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि हाँ स्पीड अपनी अपनी लगाते रहिए, सभी अपना आंसर जो है वो साथ में लगाते रहिए। अगर हो सके तो आप चैट ऑप्शंस में अपने चैट बटन से जो है वो आप डायरेक्ट लिख कर डाल दीजिए आंसर, वो ज़्यादा मच बेटर रहेगा सभी के लिए। लिख कर बच्चों डाल दीजिए, लिख कर डाल दीजिए, चैट ऑप्शन है आपके पास, चैट ऑप्शन है उसमें लिख कर डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसका आ गया था 25, ये रूट आना था, तो 54 - 5 यानी कि 49 बच्चों, जो कि 7 इसका सही आंसर होना था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, इसका 9 आ गया, 9 इसमें से माइनस होंगे जिसका आंसर आएगा 16, 16 का हो गया 4, 36, 6 और फिर आपने 6 माइनस किए तो 100 बचे, जो कि 10 का है, आंसर इज 10। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। सभी अपना जो है माइक म्यूट रखें और ध्यान से जो है वो पढ़े, और जो आंसर्स हैं वो कमेंट करते रहिए, वीडियो को साथ साथ में देखते रहिए, जो भी है आपको डाउट आते हैं तो आप हमें कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का जी जल्दी से निकालिए, 6, 16, 4, 25, 5, 5 क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? जल्दी से आंसर निकालिए, सभी को क्वेश्चंस जो हैं वो सोचने ही पड़ेंगे, अभी आपको क्वेश्चंस सोचने हैं। सभी अपना अपना आंसर निकालते रहिए, आंसर मैच कर लेंगे हम, आंसर जो है वो आपका 9 आएगा, क्योंकि इसका यानी कि 76 में 81 हो गए, 81 का यानी कि 9 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4, 16 का आ गया 4, इससे 4 गए तो 25 यानी कि 5 आया, इससे 5 गए तो आंसर इज 5। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, स्पीड आपको बनानी है, स्पीड साथ में बनानी है, स्पीड को नहीं रोकना है। हाँ जी नेहा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं?
कैट ऑप्शन होती है मैम, ये साथ में ही है बटन, तो ये मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक है जी। अभी अपना आंसर निकालिए, कोई बात नहीं, म्यूट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन सभी साथ में मेरे साथ लगाइए, स्पीड अपनी अपनी बनाइए। मैंने जो पढ़ाया था बच्चों, इसका और इसका बेस बनाने का सेम बना, 16 आया, रूट 16 आया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4, 4 यानी कि 16 चौके कितने होते, 64, 0.64 यानी कि 64 इंटू 2 की पावर 36, बेस सेम तो पावर्स ऐड, 2 की पावर क्या हुई, 1। दैट्स इज आंसर इज टू, आंसर इज टू, आंसर इज टू। क्या आपकी स्पीड मेरे बराबर बन रही है, ये जरूर आपको देखनी है, जरूर देखनी है बच्चों आपको ये स्पीड। अगर स्पीड नहीं है तो फिर बात ही खत्म, गेम खत्म, ऑप्शंस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 256 पावर ये दी है, 256 की पावर ये दी हुई है, यानी कि दोनों की अगर हम पावर को ही प्लस कर दें, 256 देख सकते हो, पिछले का आंसर 2 था, 256 की होल की पावर, जैसे इसकी 9 और ये 16 दोनों प्लस कर दिए, कितने हो गए, 0.25, ठीक है जी। अब 256 है, अब यहाँ पे ऑप्शंस है, 256 है, 2 दुनी 4 दुनी 8, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64 64 2 128 और 128 2 256। तो क्या आया, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32 दुनी 4 दुनी 5 दुनी 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों कितने आया, 2 की पावर कितनी आई, 8 आई। और यहाँ पर 25 बटा हम सीधा 100 भी लिख सकते हैं, पॉइंट हटा दिया, 25 एकम 25 25 चौके 100, 4 एकम 4 4 दुनी 8, 2 की पावर कितनी आई बच्चों, तो आंसर कितना आया, 4 ऑप्शन है ना, 4 ऑप्शन ही सही हो, 4 ऑप्शन ही बिल्कुल सही ऑप्शन होगी। इस प्रकार से भी आप आंसर जो है अपना अपना रख सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तैयार है ना सभी, तो तैयार ही रहिएगा, क्या आंसर आता है बताइए। अगला क्वेश्चन आपका सामने है स्क्रीन पे, स्पीड लगाइए, ठा करके आंसर आइए निकालिए, ठा करके निकालिएगा, ठा करके जी, जल्दी से जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करिए जी, ठा करके सभी तैयारी करिए, कोशिश करिए, शर्म नहीं करनी है, शर्म जिसने की उसके तो फूट के भैया कर्म, इसलिए शर्म नहीं करनी है, अपनी कोशिशें पूरी भरपूर करनी है, भरपूर कोशिशें ही करेंगे तो ही तो भैया प्रैक्टिस होगी। सभी साथ साथ में जो हैं वो प्रैक्टिस करें, सभी साथ साथ में प्रैक्टिस करें जी, साथ साथ में प्रैक्टिस करें। सभी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, आंसर साथ साथ में देते रहिएगा। अंडर रूट टू के साथ जा रहे हैं, अंडर रूट टू के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, अंडर रूट टू के साथ जा रहे हैं। सभी अपने आंसर देते रहिए, मैं वेट कर रहा होता हूँ। ये आ रही है क्वेश्चन, ठीक है, और आंसर जो है वो आपको पता लगा क्या है, आंसर जो है वो ये, अब किस वे से हो रहे हैं ये प्रश्न, ये ही आपको पहचानने हैं, ठीक है। अब पहचानेंगे तो ही तो होंगे क्वेश्चन। अब 2 की पावर -2 है, तो यानी कि 2 की पावर होया, 2 की पावर 2 हो गया, यानी कि -2, 1/4 भी हो सकता था, मगर इन्होंने हमारे पास जो ऑप्शंस दी हुई हैं, ठीक है, उसमें हमारे पास इस तरीके से ऑप्शन नहीं है, लग रहा है क्वेश्चन में मिस्टेक है इसमें, इसलिए आंसर जो होना चाहिए था वो 1/4 है, मगर अब क्या है कि आपके पास ऑप्शन ये है, तो आप बोल रहे होंगे सर कैसे है, मैं बोलूँगा ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है बच्चा। क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, वो होना चाहिए किसी की पावर के ऊपर पावर होना, 2 की पावर -2 क्या दिया है, क्वेश्चन ही ये है असल, क्वेश्चन ही ये होना, तो आंसर ये निकला जो इन्होंने आंसर हमारे पास दिया। कैसे होगा देखिए, मैंने अभी आपके पास क्या निकाल के दिया, 2 की पावर हमने तो इसको सॉल्व किया, किसको, इतने इतने क्या आया था, 2 की पावर कितनी आई थी, 1/4,
बोला हाँ जी सर। तो बस इसका आंसर, इसीलिए मैंने गैस लगा लिया था कि इसका आंसर जो है वो इस प्रकार से बना है, मिस्टेक्ड है, इस वजह से आपको ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से। आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर होगी होगी। इसमें भी देखिए ब्रैकेट जो है वो उल्टा लगा दिया, साइड को करना था। और ट्राई करिए साथ साथ में कि पावर भी 5 है, 4 की जगह 5। ठीक है जी, अब करिए आंसर निकाल। ई ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, ई ऑप्शन के साथ जा रहे हैं। सभी ट्राई करते रहिए, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, सभी ट्राई करेंगे तो ही तो तैयारी होगी। और मैं बता दूंगा आंसर, तो मैं बता दूंगा तो आंसर इसका रहेगा बच्चों 0.4 आंसर आ रहा है। 0.4 कैसे आंसर आता है देखिए, पहले तो इसका पॉइंट हटा दीजिए, 1024 ओवर 1 2 3, कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो आएंगे ना, क्योंकि पॉइंट का 4 और होल की पावर कितनी है, 5। अब हमें मालूम है 2 की पावर 10 जो होती है वो 1024 के बराबर होती है। इसी प्रकार से 10 की पावर 5 जो होती है 10,000। कितना क्लियर हो गया जी, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32 दुनी 64 दुनी 128 दुनी 256 दुनी 512 512 दुनी 1024 होती है। टेबल तो तगड़े तरीके से याद है जी, आप भी इसी प्रकार से बनाइए टेबल्स को। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन ले लीजिए 5 पावर, 2 की पावर 2 कर दिया, इसका 10 ले लिया, होल की पावर 5, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे 5 से 5 किया, 2 की पावर 2 आपका लेफ्ट रह गया ओवर 10, 2 दूनी 4 ओवर 10, 2 दूनी 4 2 5। एक तो ये हो गया, पर आप बोलोगे सर इतना हमने करना है क्यों, सीधा पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, 4/10 बन रहा है। तो मतलब बिल्कुल सही बोला आपने बच्चा, क्योंकि हमें ज़्यादा घचपच नहीं करनी होती पेपर में, सिंपल से सिंपल तरीके से कोशिश करनी होती है। और सिंपल से सिंपल तरीका क्या है, वो यही है कि पॉइंट में अगर बेस में कभी जीरो बन जाए तो कभी भी छेड़खानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ट्राई करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल रहे हैं जो कि सिंप्लीफिकेशन के हैं। तो आपने इस वीडियो को अपने साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, वो भी बोलना है वो भी पढ़ाई करें, जब बच्चा पढ़ेगा तो ही तो बढ़ेगा इंडिया। सभी ट्राई करिए और कमेंट करिए अपना अपना आंसर जो है, आपको क्या लगता है कितना सीख लिया, अरे भैया इतना सीख लिया है, सभी अपना आंसर करें। अब सबसे पहले क्या आंसर आता है, आंसर बता देता हूं, अब समय समाप्त है, 3 आंसर आना था, देख लेते हैं आंसर क्या रहेगा बच्चों, आंसर क्या रहेगा देख लेते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 आंसर आना था इसका, कैसे है, यहां पर 27 है, क्या है, 27 है, एक्स की वैल्यू निकालनी है क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है, तो 27 को तो हम छेड़ेंगे नहीं, ठीक है, और छेड़ना चाहे तो छेड़ भी सकते हो, मना थोड़ी किया भैया, तो पिछले का आंसर आ गया, तब ये आ गया 3 3 9 3 27, 3 की पावर 3 27 के केस में तोड़ दो, अब 243, 3 3 9 3 27 81 243, यानी 3 की पावर 5 जो होता है वो 243 के बराबर होता है, और रेस्ट पावर 3, 5 3 15, पहले इसका आ जाएगा 3 दुनी 6x-3 = 3 की पावर 15, इससे ये कैंसिल हो गया, 6x-3 = 15, कितना हो जाएगा, 6x = 15 + 3, 15 3 18, तो 6x = 18, तो x =, क्योंकि 6 3 18, इसलिए आंसर जो है वो 3 बचेगी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन सेम इसी वे से था, इसको भी आपको ट्राई करना चाहिए, क्या होगा
सेम बेस बनाएंगे, 3 की पावर x+8 27 है तो 3 * 3 = 9, 3 * 27 3 की पावर 3 होल की पावर 2x+1 करिए, आराम से करिए, 3 की पावर x+8 = 3 की पावर कितनी हो जाएगी 6x+3 3 से 3 गया कितना आ जाएगा बच्चों, बोलिए बोलिए, 8 - 3 तो 6x - x यानी कि 5x, यहाँ से भी 5 बच गए तो x की वैल्यू कितनी, ठीक x की वैल्यू बोलो बोलो बेटा, बहुत बढ़िया, 1 आंसर होगा, क्या होना था, 1, डी ऑप्शन के साथ जाना था, आंसर इज 1। आई होप कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो रही होगी, क्वेश्चन 12 हो चुके हैं, 20 लिख करके चलेंगे आज की क्लास में, जल्दी से स्टार्ट करिए। ए और बी एक पूर्णांक है, ए रेस टू पावर बी जो है वो 125 है, तो ए माइनस बी रेस टू पावर ए प्लस बी माइनस 4 इसके बराबर होगा, क्वेश्चन खतरनाक, बात खतरनाक, कैसे करें क्वेश्चन, पूछिए इस क्वेश्चन के बारे में और सभी साथ साथ में अपना आंसर जो है वो कमेंट करिए, सभी साथ साथ में अपना आंसर कमेंट, सभी प्यारे बच्चे अपना आंसर जो है वो कमेंट करिए, तो ही आपको जो है प्रॉपरली जो है वो क्लेरिफाई हो रहा होगा कि किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है बच्चों, तो साथ साथ में ही स्टार्ट करिएगा क्लास को, ठीक है जी, और आंसर क्या हो सकता है तो मैं बता देता हूँ, अब आंसर का समय समाप्त, 1 की पावर 16 आंसर आ रहा है, 1 की पावर 16 यानी आंसर इज 16 आंसर आना चाहिए था, कैसे निकालते हैं देखिए, अब 1 की पावर b है, 5 × 25 = 25 यानी कि 5 की पावर 3, बस यहीं से ये जो a है ये आपका 5 हो गया, ये जो b है ये आपका 3 हो गया, बस अब लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए क्वेश्चन में, 5 - शाबाश 3, 5 + 3 बस 4, 5 में से 3 कितने बचे 2, 5 × 3 = 8 और मतलब 4 तो 16 आंसर होगा बच्चों, क्या आंसर होगा, और सभी साथ साथ में शेयर करते चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करिए सभी अगला क्वेश्चन ट्राई करिए, क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से, बहुत ही सिंपल सवाल है, सभी ट्राई करिए फिर इसके बाद मैं आपको इसका आंसर देता, ये क्वेश्चन का लेवल उठ चुका है, इस बच्चे ने अगर प्रैक्टिस नहीं की होगी उसकी दिक्कत, बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं तो आंसर इज 9 बच्चा, बी ऑप्शन आंसर इज 9, समय समाप्त हो चुका है, मैं इसकी डिटेल देने जा रहा हूँ, 243 है, आपको मैं पढ़ा चुका 3 की पावर 5 है तो 243 बनते हैं बच्चा, n/5 ठीक 9 है, पावर 2 हो जाएगा होल की पावर n, 3 की पावर n, इसका मतलब बेस सेम पावर से ऐड हो जानी बच्चा, 3 की पावर कितनी होगी 5 n/s
इंटू थ्री की पावर टू एन प्लस वन। इसी प्रकार से आपने नीचे से जब ऊपर को आती है वैल्यू तो आपने सुना था माइनस में हो जाती है, तो माइनस के टू एन हो जाएंगे और माइनस के ही एन और ये प्लस का वन हो जाएगा, ने अपोजिट सिंबल हो जाते हैं नीचे से जब ऊपर को आती है कोई भी वैल्यू। अब बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। थ्री की पावर क्या हो जाएगी, फाइव एन ओवर एस प्लस टू एन प्लस वन माइनस टू एन माइनस एन प्लस वन। एस नहीं ये फाइव होगा, तो ही ये क्वेश्चन हो सकता था, यहाँ पे मिस्टेक है, पांच ही होगा, मैं सही बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ही याद हो गए हैं भैया, पांच है। ठीक है, तो सिंपल हो गया ना बच्चों, पांच हो गया तो क्वेश्चंस का आपका समय लगा होगा तो मिस्टेक हुई होगी। से कोई बात नहीं, अपने साथ साथ में प्रैक्टिस करनी, एन से एन गया, वन प्लस वन ये उठेगा, ये भी उठेगा, थ्री की पावर क्या बच रही है, वन प्लस वन पावर टू, तो आंसर इज नाइन। क्वेश्चन में मिस्टेक थी इस वजह से शायद आपसे आंसर नहीं निकला हो, बट ये है क्वेश्चन में दिक्कत थी, टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक। अगले क्वेश्चन में आप ट्राई करिए, क्वेश्चन अगला ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे उम्दा तरीके से बनाए हुए क्वेश्चंस हैं आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए, साथ साथ में प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, और भी प्रैक्टिस के लिए आपको ऐप पे हमारी के पर ये क्वेश्चंस के विद आंसर की मिल जाएगी, आप इसी क्लास के साथ में आप इसको देखेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। 64 है बच्चों, कभी कमेंट करिए, कमेंट करिए अच्छे से, आंसर कमेंट करिए। हाँ बहुत बढ़िया अनुज, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, देखा वन, देखते हैं कैसे है। 64 है, 64 है, तो टू की पावर इसका मतलब सिक्स, टू की पावर बच्चा कितनी आए, सिक्स माइनस टू ओवर थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, टू टू जा फोर हो जाएंगे, वैसे ही टू की पावर टू हुआ, इसकी पावर माइनस टू है, टू टू जा फोर हो गया बच्चा, ऐसे बोल रहा हूँ, टू टू जा फोर हो गया, यानी कि टू की पावर कितनी होगी, माइनस फोर हो गई, तो वो मल्टीप्लाई में हो रहा है। अब ये भी ऐसे ही आएगा नीचे से, अगर बेस से ऊपर आएगा तो माइनस टू हो जाएगा, और ऊपर भी माइनस टू हो, माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सर, और क्या होगा, ये प्लस हो गया, टू टू जा फोर हो गए, ये सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती, ऐड हो जाती, क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, माइनस फोर प्लस फोर, तो यानी कि टू की पावर क्या रहेगी, जीरो, और जिसकी पावर जीरो होती है वो क्या होता है, वन, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, वन आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए फटाफट, समय बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम समय होता है एग्जाम में, इसलिए समय की आपको रिस्पेक्ट करते हुए ये क्वेश्चंस करने हैं, भी ट्राई करिए, कोशिश करिए, पूरा बेस देखा जा रहा है आपका इन क्वेश्चंस में, अभी क्वेश्चंस समझाना स्टार्ट कर दूंगा, जैसे ही आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, साथ साथ में ट्राई करिए, अपना आंसर ट्राई करिए, कोई बात नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, सभी ट्राई करिएगा। देखिए 100 है, यहाँ पे मैं 10 की पावर 2 लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं, और अभी भी मैं बोलूँ तो आप ट्राई करिए। मुख महक जी बहुत बढ़िया है, आपकी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी ट्राई करिए, आंसर दीजिए, अच्छा आंसर दीजिए, आंसर सही आंसर दीजिए, बिल्कुल सही अनुज, बिल्कुल सही आंसर, 1.6 आंसर बिल्कुल सही है। आंसर देख लेते हैं कैसे हो रहा है, अब इसका आगे का देखिए, 0.00 ये दिया हुआ है और होल की पावर 3 दिखी हुई है, अब देखिए 0 से 0 गया तो कितना बच गया, 10 ही बचा ना, इसकी 3 लिखी है यानी कि 10 की पावर कितनी होगी, 10 की पावर हुई -3, ये भी 3 है, इससे ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और 1 बच जाएगा, क्योंकि तो 0.1 के इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, 0.1, ठीक है, माइनस, अब आया 16, 4 चौके 16 भी होते हैं, 2 की पावर 4 भी 16 होता है, बिल्कुल सही है,
इसका मतलब मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, आपको समझाते हुए कोशिश करूँ तो 0 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है जी, वो 4 से 4 गया तो 0.2 यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा, और जिसकी पावर 0 होती है वो किसके बराबर होता है, 1। ठीक है जी, और इसकी पावर कितनी है, माइनस में 1, तो अंदर वाले को आपने क्या कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। ये आपका नॉलेज जांचा जा रहा है इन क्वेश्चंस के माध्यम से। अब 10 को 0.1 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, तो आपको पता होना चाहिए, अपॉन 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा सर, और क्या आएगा, क्या बात कर रहे हैं, 0.2 ये आया, प्लस 4/5 आया, पॉइंट हटा दो 1 ही आ गया, 2/ क्या आएगा 10, यानी कि 1/5। ठीक है, प्लस 4/5 एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा बेटा, 5 ही एलसीएम आएगा सर, 5 ये आ गया, 1 ये आ गया और 4 ये आ गया, 5 4 9 और 9 में से 1 गया तो 8, 8/5 कितना आया, 8/5 आ गया। ठीक है जी, 8 को 8/5 आ गया। ठीक है जी, तो कितना रह गया बेटा, 8/5 यानी कि डिवाइड कर लीजिए 8 को 5 से, क्यों करके 8 ही आ गया, 5 आ गया, 5 क्या गए, 6 7 और 8, 3 आ गए, लगा पॉइंट, आया 0 5 6 30 जी, 1.6 आंसर हो। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते थे, और भी बड़े तरीके हैं, यहाँ पर ही आप प्लस माइनस कर लो, ठीक है, या 4.5 को आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लो, किसी भी तरीके से। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन मारिए, ट्रायल मारिए, सभी आंसर फास्टली, सभी आंसर कोशिश करिए कि मैं सबसे पहले आंसर दूं, सबकी सोच एक होनी चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए, नौकरी छीन कर लेकर आनी है बच्चों, तो छीन कर लानी है तो आंसर हमें पहले देना है। हाँ, किसी का कोई रिलेटिव है तो कोई चक्कर नहीं, रिलेटिव है तो कोई चक्कर नहीं है, और रिलेटिव नहीं है तो यहीं पर आपको फोकस करना है, स्पीड छीन कर लेकर आने वाली है, आंसर समय समाप्त हो चुका है, बहुत ही कम समय था इस क्वेश्चन के लिए, 125 इसका आंसर आना था, कैसे आना था, बहुत बढ़िया अनुज, बहुत बढ़िया महक, ए सेम पावर्स ऐड, मैंने ये पढ़ाया है, 5 की पावर 7 जमा 4 माइनस 8 हो जाना था डायरेक्टली, कि कौन सी यूज़ की है, आइडेंटिटी एक्स की पावर एम मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन, तो x की पावर क्या होती है m प्लस n, ठीक है, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, यानी कि बीच में क्या आ गया, डिवाइड का सिंबल आ गया, वहां पर क्या था मल्टीप्लाई का, तो ये पावर्स क्या हो जाती है माइनस में जाती है, यहाँ पर भी ना पावर में क्या आ गया है, ये बीच में क्या आ गया इनके डिवाइड का सिंबल, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बच्चों बीच में डायरेक्ट माइनस, ठीक है, इसलिए मैंने -8 लिख, तो इसलिए 5 की पावर क्या होगी, 7 4 11 11 माइनस 8, 8 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 8 माइनस है ना जी, और 5 5 25 25 25 125। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल बहुत ही सिंपल सवाल, आधे सेकंड में, सेकंड का समय होना चाहिए, 1 मिनट का नहीं, 30 सेकंड का समय होना चाहिए, 30 सेकंड में ये क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाना चाहिए, सभी 30 सेकंड के लिए ट्राई करिए, कोशिश करिए जल्दी से जल्दी, डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, और आपको मालूम है बिल्कुल सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही ऑप्शन है, देख सकते हो डी है या बी है, सभी ट्राई करिएगा, आपके सामने आंसर आ चुका है, यदि ऑप्शन आंसर जो है वो ए ऑप्शन आना था, तभी हबड़ा तबड़ी नहीं करनी है, पेपर में हबड़ा तबड़ी नहीं करनी होती, वो उस वजह से मिस्टेक होती है, कारण क्या था, दोनों आंसर सेम लग रहे थे, उन्होंने माइनस के सिंबल को थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से आंसर जो है वो उल्टा सीधा कर रहे थे। देखते हैं क्वेश्चन को, इसको पहले तो नेगेटिव से पॉजिटिव बना लो, कैसे बनाना है, अंदर वाले को सिंबल को बदल दीजिए, 125/8 कर, क्योंकि या ये ओवर 8, क्योंकि पॉजिटिव से हम नेगेटिव से पॉजिटिव बना दिया, यानी कि 4/3,
अब मिस्टेक नहीं होगी। 5 की पावर 3 भी आपका 125 होता है और 2 की पावर 3 भी 8 होता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर। 3 3 दोनों का कॉमन लिया, वो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि 4 रह गया, जो कि 625/16 के बराबर होता है। आई होप कि आपको थोड़े से स्टेप मैंने जो रिमूव किए वो आपको समझ आए हो। अगला सवाल देखते हैं, आप कितना इसके ऊपर ट्रायल मारते हैं। क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा, शक्ल पहचानिए, क्या ये क्वेश्चन मुझे आ सकता है, ट्राई करिए। बहुत ही सिंपल है इस क्वेश्चन पे, एक सिर्फ मैं बोलूंगा, 1 मिनट बहुत ज्यादा समय है, सेकंड्स की बात करेंगे हम, 30 सेकंड्स की। सभी ट्रायल मारिए, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं फिर उसके बाद आंसर दूंगा आपको। ट्रायल मारिए, सभी इधर उधर ना देखिए, ट्रायल मारिए, कोशिश करिए। कोशिश करेंगे तो ही स्पीड बनेगी, कोशिश करेंगे तो स्पीड बनेगी, कोशिश नहीं करेंगे कोई स्पीड नहीं बनेगी। टेस्ट तभी होता है, टेस्ट हम इसीलिए लगाते हैं। अनुज 6 के साथ जा रहे हैं, 6 के साथ जा रहे हैं, 6 आंसर दे रहे हैं। 19th क्वेश्चन का आंसर, आई होप कि आप भी सही आंसर दे रहे हो, और भी ट्राई मारिए, सभी बच्चे ट्राई मारिएगा, कोशिश करेंगे तो ही आंसर आएगा जी। आई होप कि आपका समय जो है आप उसका सदुपयोग करेंगे और समझेंगे इस समय की वैल्यू को। देखिए सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, कोई डी के साथ जा रहे हैं, आंसर इज सेवन। सभी अपना म्यूट रखें, आंसर इज सेवन, अपना कमेंट करते रहे आंसर। देखिए 64 है यहाँ पर ब्रैकेट, 7 64 है, 4 चौके 16 चौके 64, मतलब 4 की पावर से आपको फायदा, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चा, ऐसे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अगर 2 लोगे तो लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो 7 ही आ गया मेरा, 4 ही आ गया। अब 27 है तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा पावर जो है, कैसे, 3 3 9 3 27। आई होप कि आपको मेरी बातें जो हैं वो अच्छे से ही समझ आ रही। क्वेश्चन तो यानी कि इसका मतलब ये होल की पावर रह गया और ये 1/4, तो ये 3 ही रह गया, होल की पावर 3 है, क्यों करके है ये क्वेश्चन 1/4। तो 4 3 कितने हो गए, 4 3 कितने हो गए बच्चा, 7 हो गए, ठीक है। 7 की पावर 3, 7 की पावर कितनी होगी, 7 की पावर सर 3 ही होगी और क्या होगी। अच्छा ये वाला जो 4 है ये अंदर था, ये 7 अंदर है, तो मैंने यहां से क्वेश्चन मैंने ये 7 बच्चों अंदर है, यहां पे है क्वेश्चन में देख सकते हो आप, ब्रैकेट क्यों हो, 7 की पावर 3 ही आया, होल की पावर 1। अब बेस सेम हो गए क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स थी, तो पावर्स ऐड हुई, तो 7 3 जमा 1 4 हो गया, और होल की पावर 1/4 है, जो 4 से 4 गया, तो आंसर इज 7। थोड़ा सा भी क्वेश्चन को लिखने में छोटी सी भी मिस्टेक होगी तो आपका आंसर गलत आ सकता है, तो ध्यान से क्वेश्चन करना। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। सेम सवाल, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, यानी कि एक्स मान लीजिए, क्वेश्चन मार्क से अगर आप डर लगता है एक्स मान लो, इसकी वैल्यू क्या होगी। सभी आंसर कमेंट करें, आंसर क्या होगा बच्चों। सभी आंसर कमेंट करें, 20 क्वेश्चन लगाए हैं हम, टोटल हमने 30 मिनट का हमने लगभग ये समय लिया है पूरे टेस्ट के लिए। 1 के साथ जा रहे हैं, देखते हैं चलो क्या आंसर डालते हैं सभी के सभी। और मैं बता देता हूँ आपका बिल्कुल सही आंसर है बच्चा, सभी का
वो बता दिया जाता है कि ये अनुज का आंसर जो है वो बिल्कुल गलत है, महक जी का बिल्कुल सही आंसर था, महक का बिल्कुल सही आंसर था। तो इसका आंसर जो है वो 1 है। कैसे होगा थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। 5 की 12 है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं, 125 था, ये था, दोनों आपस में कट रहे हैं। तो अब आपको ये नहीं काटने हैं तो आप नहीं भी काट सकते हो। 5 की पावर, 5 5 25, 25 5 100 3 आएगा, और 5 को अगर आप 6 बार करो तो 15625 के बराबर होता। इसी प्रकार से इसको 7 बार करो तो आपका जो है 3125 होता है। ठीक है जी, इसी प्रकार से 5 की पावर 2x हो जाएगी, 5 5 25। ठीक, अब बेस सेम तो पावर्स ऐड कर लो, तो 5 की पावर 12 जमा 3, क्योंकि डिवाइड है तो माइनस का हो जाएगा 6, 5 की पावर 7 जमा 2x, 5 से 5 किया, 12 और 3 कितने हो गए 15, और 15 में से यानी कि 6 गए तो कितने बच गए बच्चों 9, 5 सीधा 9 लिखेंगे, 5 से 5 तो कैंसिल हो गए, 7 जमा 2x, 7 जमा 2x जो है वो आ जाएगा आपका, यानी कि 7 इस साइड को आ गया तो 2x, तो 9 में से 7 गए कितने बचेंगे 2x, 7 क्या गया 8, 9 2x, x की वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके बन रहे थे। तो आई होप कि आपको आज की क्लास में आपने बहुत अच्छे से लगाए होंगे। अगले क्लास में हम और क्वेश्चंस लगाएंगे, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय। भारत जय हिमाचल।